गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारी गुड मॉर्निंग अब हुई है और देखो नंद रानी भी सो के उठी है। आज हमने जम कर रेस्ट किया क्योंकि आज हमारा परफॉर्मेंस है शाम को करीबन 7 बजे और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्लस आज मैं भी कुछ खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज का हमारा इवेंट। हम चाहते हैं कि आज डिवोटीज को इतना आनंद आए कि ये एक यादगार इवेंट बन जाए जैसे कल का था। कल भी बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो गाइस प्लीज़ प्रे फॉर अस ताकि हमारा आज का इवेंट भी अच्छा निकले। थैंक यू सो मच। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। हरे कृष्ण। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जब भी आपको कोई और काम नहीं हो करने को, आपकी चैंटिंग भले ही पूरी हो गई हो, आप एक्स्ट्रा राउंड्स भी चैंट कर सकते हैं। फ्री टाइम में भगवान को याद करना इज द बेस्ट थिंग टू डू। हरे कृष्णा। इसमें के लिए हैं क्योंकि हम जनरली एक दिन पहले आते हैं इवेंट के लिए, पर यहाँ पर आज हमारा इवेंट है और कल हमें अर्ली मॉर्निंग वापस वृंदावन धाम निकलना है बिकॉज कल शाम को हमने दमन के लिए निकलना है। यस, हम दमन गुजरात वहाँ पर भी आ रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। बैक टू बैक इवेंट्स है जिसकी वजह से हम डिवोटी से नहीं मिल पा रहे। आज यहाँ पर भी बहुत सारे डिवोटी मिलना चाह रहे थे बट हम नहीं मिल पा रहे। वैसे तो ये शादी है यहाँ पर बेसिक, ये पश्चिम विहार में रेडिसन होटल है, इसके सामने है मैपल गोल्ड बैंको। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग प्रसादम, फॉर दिस वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी। आई थिंक जहाँ पर हम रुके हैं ये इन्हीं का होटल है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्पेशली घर से प्रसादम बना के भेजा है विच वी रियली अप्रिशिएट। डिवोटीज का अच्छे प्रसादम बना होता है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। न्यू ईयर में सभी लोग बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं और हमने अभी एक भजन रिलीज किया है, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तो हम चाहते हैं कि इस न्यू ईयर को आप मनाए इस भजन के साथ, और जब आप भजन के ऊपर डांस कर रहे हैं ना, तो आपको एक अपनी वीडियो बनानी है और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे शेयर करनी है कि ताकि वो अपने पेज पर शेयर कर सकें आप लोगों की वीडियो। लास्ट टाइम जब हमने आली री सॉन्ग रिलीज किया था तो बहुत सारी वीडियोस आई थी और फ्लड की तरह मतलब बरस रही वीडियोस, हमें यूट्यूब ने बैन भी कर दिया था, लेकिन फेसबुक ने बैन कर दिया था, लेकिन इट्स ओके। हम इस बारी भी रिस्क लेना चाहेंगे, आप अपनी वीडियोस बनाकर भेज तो हम धीरे धीरे करके आप लोगों की वीडियोस अपने चैनल पर रिलीज करेंगे। और 5 टॉप डांसर्स या कह लीजिए कि जिनकी बहुत अच्छे से वीडियो बनी हो, बहुत अच्छे से एडिट की हो और बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया हो, तो उनके कंसोलिडेटेड वीडियो जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज करेंगे। तो यू कैन स्टार्ट पार्टिंग इन एडवांस, जल्दी से अपनी वीडियोस बनानी शुरू कीजिए और धमाल मचाते हैं भगवान के नाम का इस न्यू ईयर में भी। हरि बोल। कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है।
देखो गुस्सा करके अपना खून चढ़ाने वाली बात है जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन बॉलीवुड यार हद करता है। मतलब तुम जानते नहीं तुम क्या चीज़ कर रहे हो। राधा रानी का नाम, मतलब हम भी 10 बार ही सोचते हैं राधा रानी का नाम लेने से पहले कि हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे। तुम्हें आइडिया है तुम क्या कर रहे हो? गाइज वी शुड डेफिनेटली बॉयकॉट सच थिंग्स। मेरा मूड खराब हो गया सुबह सुबह देख के। मैंने कमेंट भी किया है सारेगामा रिकॉर्ड लेबल है ना, मतलब दिल से निकल रही है तुम्हारे लिए, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मैंने वहाँ कमेंट किया है और मैं चाहता हूँ सभी लोग जिनको भी लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऑफ कोर्स ये चीज़ ठीक नहीं है, डू कमेंट और रिपोर्ट करो इस गाने को। हमें हम यहाँ डिवोटी से नहीं मिल पाएंगे बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड सी एंट्री है और ऑफ कोर्स प्राइवेट इवेंट है जैसे मैंने आपको बताया। और फिर कभी सही दिल्ली हम आ जाते हैं, हम जब भी अगली बार जाएंगे तो प्रॉमिस जरूर मिलेंगे आपसे, ठीक है। हरे कृष्णा। सो ये हमारे साथ सचिन जी हैं, ये निहाल है और आपका नाम बता दीजिए एक बारी। ईशा। इनसे बहुत दिनों से हमारी बात चल रही थी मिलने की और एक बारी हमारी इनसे पहली बार बात हुई थी जब इन्होंने वहाँ पर साधु संतों के लिए प्रसादम की सेवा की थी। और ये छोटू सा जो बेबी है ना ये शर्माता है लेकिन ये रात को भगवान की स्टोरीज पढ़ता कृष्णा की, है ना निहाल? पढ़ते हो ना निहाल? सो थैंक्स टू दिस वंडरफुल फैमिली, इन्होंने हमारा जो नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो जो रिलीज होने वाला है दे हैव स्पॉन्सर्ड दिस एंड जनवरी में वो रिलीज होने वाला है। यू ऑल गोना लव दैट। थैंक यू सो मच निहाल से। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। ही इज सो स्वीट। ये देखिए यहाँ सब तैयारियां भी चल रही हैं, शो के साथ साथ यहाँ पर हम मुलाकात भी कर रहे हैं। जीएल बजाज कॉलेज से हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के और उनमें से कुछ लोगों ने ऑनेस्टली बताया भी कि उनको लग रहा था कि फ्रेशर पार्टी में एक भजन वाले बैंड क्या काम, मगर कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद उनकी ये सारी की सारी शंकाएं दूर हो गई बिकॉज इस वक्त पे उनके गले खराब हैं। वो इतना चिल्ला चिल्ला के उसे कीर्तन किया, मस्ती मारी, बॉडी से भूल ही गए थे कि आज हमारा अगले दिन सुबह दर्द भी होने वाला है शरीर, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि सच में बहुत ज़्यादा मजा आया। सो दिस इज द हरिनाम पार्टी। ये फ्रेशर्स पार्टी हमेशा फ्रेश रहेगी, जितनी मर्जी बारी आप हरिनाम पे कीर्तन कीजिए। वी ऑल्सो एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच जीएल बजाज फॉर हैविंग अस देयर। मजा आ गयो। सो वापस आ रहा है ट्रेंड, है ना? यस इट इज गोइंग टू कम। दुनिया बदल रही है, सभी बदलेंगे और ट्रेंड लेकर आएंगे हम। किसका? हरिनाम संकीर्तन का। फ्रेशर्स पार्टी हो, कॉलेज पार्टी हो, कुछ भी हो, माधवस गोना रॉक यू। अरे बोल। तो आज यहाँ पर सब भागम भाग हो रही है। लक्ष्मी इज गेटिंग रेडी, आई एम रेडी। और यहाँ नंदरानी रेडी हो रही है और यहाँ पर सब ये देखो आज कुछ भूल गए, नहीं भूले तो कुछ नहीं, तिलक भूल गए, तिलक लगा रहे हैं। और ये होता है जब डबल एक बैक टू बैक हमारे इवेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ घोची होती है। बट स्टेज पे जाके हम क्या करेंगे? रॉक। फाइनली हमारा बैंड रेडी है, ये देखिए जल कुकड़िया और जल कुकड़। आज थोड़ा भागम भाग हो गई, थोड़ा एडवेंचर हो गया, बट नो प्रॉब्लम, हो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और आज भगवान से प्रार्थना है कि हमारा शो एकदम मजेदार जाए, फाटा फाटी जाए, और मैं अपडेट्स आपको देता रहूंगा। हरी बोल। प्लीज प्रे फॉर अस। थैंक यू। चलो बच्चा लोग भागो फटाफट से। हरे कृष्ण। हरे बोल। सो फाइनली वी आर ऑन स्टेज। आज बहुत ही सुंदर है, देखिए कितना सुंदर स्टेज भगवान का बनाया। और यहाँ बहुत सुंदर ऑल्टर भी है, मैं आपको ऑल्टर के दर्शन कराऊंगा दूर से। मैंने शूज पहने हुए इसलिए मैं पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सबको दर्शन जरूर कराऊंगा।
सो फ्रेंड्स, अभी हम शो खत्म करके हटे हैं और मैं जाके फटाफट से वापस आके देखता हूँ। मैं यूट्यूब पे गया, सारे गामा रिकॉर्ड लेवल का वो गाना चेक किया जिसके ऊपर मैंने रिपोर्ट करने के लिए मैसेज डाला था। यू वोंट बिलीव, उन्होंने कमेंट्स ही वहाँ पर वो कर दिए हैं, बंद कर दिए, मतलब आप कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। ये है आजकल का लालच इन रिकॉर्ड लेवल कंपनीज का, क्योंकि इनको पता है कि जो गाना है लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जो भी चीज़ क्रिटिसिज्म में आती है वो भी पॉपुलर हो जाती है, और इस चीज़ का ये कंपनीज फायदा उठाती हैं। सो यू कांट डू मच, क्योंकि उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर दिया, वहाँ लोग दबा के इसके लिए कमेंट करते हैं इसके अगेंस्ट। सो दिस इज़ देयर अनदर स्ट्रैटेजी, अब गाना और ज़्यादा लोग जाकर देखेंगे। आई वुड रिकमेंड स्टॉप वॉचिंग दीज सॉन्ग्स, अगर आप गाना देखना ही बंद कर देंगे, गाना प्ले ही नहीं किया, अगर आप गाना देखना बंद कर देंगे तो ऐसे गाने बनाने बंद कर देंगे। एक्चुअली में हम ही लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो हम में से अगर कोई वकील है, कोई एडवोकेट है, दे डेफिनेटली शुड सू इट, सू द कंपनी। कितने कितने जाहिल लोग हैं, मतलब